बड़ी खबर ग्वालियर से है। डबल मर्डर हुआ है, दो अज्ञात व्यक्तियों की हत्या की गई है। पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। सड़क किनारे दोनों के डेड बॉडीज मिली है। मृतकों में से एक दिव्यांग है। मृतकों की पहचान करने में पुलिस जुटी है। कंपू थाना क्षेत्र की शीतला माता रोड पर यह हुआ है। दो अज्ञात लोगों का मर्डर हुआ है जिसमें से एक दिव्यांग है। अज्ञात का मतलब यह है पुलिस अब तक शिनाख्त नहीं कर पाई है कि दोनों की डेड बॉडी जो मिली है वो किसकी है, इनका नाम क्या है, ये कहां रहते थे। इसीलिए अज्ञात में लिखा गया है कि दो अज्ञात लोगों का मर्डर हुआ है। तो महेंद्र कुशवाहा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कंपू थाना क्षेत्र के सीता माता रोड नया गांव पुलिया के पास की घटना है। यहाँ पर सड़क किनारे आज जब वहां से जो लोग थे निकल रहे थे, उन्होंने एक शव को पहले रोड किनारे पड़ा हुआ खून से लथपथ देखा था, जिसके बाद इसकी पूछताछ पुलिस को दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची थी और फॉरेंसिक टीम के भी साथ पहुंची थी। इसी दौरान जो पुलिस ने छानबीन की तो एक कुछ 10 कदम की दूरी पर एक दूसरी लाश भी झाड़ियों के पास पड़ी थी, जिससे साफ जाहिर था कि दो जो जो खून से लथपथ थे, तो एक पत्थर खून से लथपथ भी पड़ा हुआ था। साफ जाहिर था कि इनके पत्थरों से कुचल के हत्या की गई है। ये अभी तक दोनों की पहचान जो अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक इन दोनों की पहचान नहीं हो सकी है। कौन व्यक्ति हैं, कहां से आए, क्या थे, इनके पास मोबाइल नहीं मिले हैं। इनका एक बैग मिला है, इस पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, चार्जर रखा हुआ है, मोबाइल नहीं है। लेकिन इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो हत्यारे थे उन्होंने पूरी प्लानिंग से इन दोनों की हत्या करके इनके शवों को सड़क किनारे डाला है। और पुलिस में हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त जल्द ही करी जाएगी और जो हत्यारे हैं उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।